अक्षय कुमार ने प्रधानमंत्री राहत कोष यानी कि पीएम रिलीफ फंड में दान दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार ने 1 करोड़ रुपए की सहयोग राशि दी है। ये राशि उन्होंने ओडिशा में आए फैनी तूफान के प्रभावित लोगों के लिए दिए हैं। अक्षय की तरह दूसरे स्टार्स भी पीड़ितों के लिए आगे आ रहे हैं। खबरों की माने तो जैकलिन फर्नांडिस की जगह दीपिका पादुकोण अब किक 2 में नजर आएंगी। ये पहली बार होगा जब दीपिका और सलमान खान की जोड़ी जमेगी। पहले भी कई बार फिल्मों में सलमान के साथ दीपिका को कास्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन जोड़ी जम नहीं पाई। अब किक 2 में देखते हैं क्या होता है। हॉलीवुड फिल्म अलादीन जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए डिज्नी इंडिया ने सिंगर बादशाह और अरमान मलिक को साइन किया है। फिल्म के प्रमोशनल गाने और वीडियो को बादशाह गाएंगे, वहीं अरमान मलिक फिल्म में अलादीन के किरदार को अपनी आवाज देंगे। रणबीर कपूर जल्द ही अपना साइड बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। खबर है कि रणबीर अपनी खुद की क्लोथिंग लाइन लॉन्च करने के साथ साथ ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर खोलने वाले हैं, जिसमें उन्हें आलिया भट्ट भी सपोर्ट करेंगी। आलिया ये काम पहले ही कर चुकी हैं, अब वो रणबीर का साथ देंगी। खबर थी कि कंगना रनौत और राजकुमार राव की आने वाली फिल्म मेंटल है क्या 26 जुलाई के दिन रिलीज होगी, जिस दिन ऋतिक रोशन की सुपर हिट रिलीज होने वाली है। साल 2019 की शुरुआत में ऋतिक और कंगना रनौत की बॉक्स ऑफिस पर भिड़ंत होने वाली थी, लेकिन उसे किसी न किसी तरह से टाल दिया गया। अब ऋतिक रोशन की फिल्म 9 अगस्त को रिलीज होगी। दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह अब अलग रहेंगे। जी हां, खबरों की माने तो रणवीर सिंह फिल्म 83 की शूटिंग के लिए अपना घर छोड़कर कपिल देव के साथ रहेंगे, ताकि वो उनकी लाइफ पर बनने वाली बायोपिक पर बारीकी से काम कर सके, कपिल देव को पूरी तरह से समझ सके, उनकी तरह फिल्म में दिख सके। वो 10 दिनों तक कपिल देव के घर में रहेंगे। फिल्म भारत में डायरेक्टर ने दीदी तेरा देवर दीवाना जैसा एक फैमिली सॉन्ग रखा है, जिसमें कटरीना कैफ और सलमान खान रोमांटिक मूड में नजर आएंगे। सलमान कटरीना के इस गाने में जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जिसे देखकर आपको हम आपके है कौन की माधुरी दीक्षित की दीदी सॉन्ग की याद आ जाएगी, जिसमें सलमान की कटरीना टांग खींचती हुई नजर आएंगी। खबर है कि मानुषी छिल्लर रणवीर सिंह के साथ नहीं बल्कि अक्षय कुमार के साथ डेब्यू करेंगे। खबरों की माने तो अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान की बायोपिक करने वाले हैं, जिसमें मानुषी को लीड रोल में लिया जा सकता है। इस फिल्म को यशराज बैनर डायरेक्ट कर रहा है, जिसमें मानुषी संयोगिता का रोल प्ले करेंगी। अमेरिका के इतिहास में पहली बार है जब मिस अमेरिका, मिस यूएसएस और मिस टीन तीनों खिताब अश्वेत ने जीता है। बता दें कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मिस टीन अमेरिका का खिताब केली और मिस यूएसए का खिताब 27 साल की चेस्ली क्रिस्ट ने जीता है। वो पेशे से वकील हैं और सोशल वर्कर भी हैं। इससे पहले बीते साल मिस अमेरिका के खिताब पर निया ने अपना कब्जा जमाया था। सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे तैमूर अली खान सबसे पॉपुलर स्टार किड है। तैमूर जब भी घर के बाहर निकलते हैं तो कैमरे शुरू हो जाते हैं। अब ये मामला पुलिस तक जा पहुंचा है। पड़ोसियों ने पुलिस स्टेशन जाकर इस बात की शिकायत की है कि उनके घर के बाहर मीडिया वालों का जमावड़ा रहता है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।